बिजनौर के थाने में दो पक्षों के विवाद को लेकर बीजेपी नेताओं ने थाने में दबंगई दिखाई। बताया जा रहा है कि दारोगा के साथ गाली गलौज भी किया गया। वहीं थाने को आग के हवाले करने की धमकी दी गई। बता दें कि थाने के अंदर हंगामा करने का वीडियो भी वायरल हुआ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार गुंडों पर नकेल कसने के लिए जानी जाती है, लेकिन गुंडागर्दी करने वाले जब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हो तब यह सरकार क्या करती है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर अब भाजपा नेता ही गुंडागर्दी करने पर उतर आए हैं। कभी थाने में घुसकर गुंडागर्दी करते हैं तो कभी गाली गलौज करते हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि थाने में घुसकर कुछ लोग थानेदार के सामने ही दरोगा से बदतमीजी कर रहे हैं और फिर थाने को आग के हवाले करने की धमकी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई एबीवीपी का भी नेता है। आप अपने स्क्रीन पर जो अभी यह दृश्य देख पा रहे हैं, इसमें थाने के अंदर ही ये लोग बैठे हुए हैं और बहसबाजी जारी है। थाने को आग के हवाले करने की धमकी दी जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि खुद को कोई बीजेपी का नेता अगर बता दे तो उसके पास खुली छूट है कि वह दबंगई करेगा और थाने में बैठी पुलिस तमाशा देखती रहेगी और उसकी गाली सुनती रहेगी। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए, फिर आगे पूरा मामला भी बताते हैं। तो देख लिया आपने इस मामले में जो ट्वीट बोलता उत्तर प्रदेश ने शेयर किया है, सबसे पहले वो अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कहा गया है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर की कोतवाली है जहां भाजपा नेता थाने को आग लगाने और दरोगा से सबके सामने धमकी दे रहे हैं। जब थानों का ये हाल है, सोचिए न्याय कैसे मिलता होगा। जाहिर तौर पर कोई भी सवाल पूछेगा कि अगर थाने में ये स्थिति हो गई है तो न्याय कैसे मिलेगा। ये वीडियो वही बताता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा नेताओं के पास गुंडागर्दी का शायद लाइसेंस मिल गया है, इसलिए ये लोग खुलकर बदतमीजी करते हैं, सड़कों पर गुंडागर्दी करते हैं, महिलाओं से गाली गलौज करते हैं या फिर थाने में घुसकर इसी तरीके की धमकी देते नजर आते हैं। बिजनौर का यह मामला है और थाने में कोई यह कहे कि मैं इस थाने को आग लगा दूंगा या फिर मार पिटाई की धमकी दे तो इतनी हिमाकत वो भी पुलिस के सामने किसी आम लोगों के बूते का तो नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी के नेता हैं तो यह गुंडागर्दी कर सकते हैं। यह वीडियो यही बताता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस मामले को आप साफ समझ गए होंगे कि कहा क्या जा रहा है कि दो गुटों में विवाद हुआ, मामला जब थाना पहुंचा तो थाने में आकर खुद को भाजपा नेता बताकर दबंगई करने लगे ये लोग, और वहां पर थानेदार के सामने दरोगा को झाड़ पिलाते हुए ये शख्स देखे गए, उन्हें चेतावनी और धमकी देते हुए दिखाई पड़ने लगे और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन जो बात सामने आई है उसके मुताबिक थाने को भी आग के हवाले, थाने को जलाने की बात ये लोग करते नजर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 3 दिनों के बाद वायरल हुआ है, लेकिन थाने में इस तरीके की घटना यह साफ साफ जाहिर करती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का स्वरूप बदल चुका है। ऐसे मामले लगातार आते हैं। श्रीकांत त्यागी का मामला आप सभी जानते हैं कि कैसे वह सोसाइटी में जाकर गाली गलौज करता है महिला से, फिर जेल में भी जाता है काफी विवादों के बाद, लेकिन जब जेल से बाहर निकलता है तो फूल मालों से उसका स्वागत किया जाता है। मिल रही जानकारी के मुताबिक बिजनौर थाने का जब यह वीडियो वायरल हुआ है तो शीर्ष अधिकारी इस मामले में अब जांच की बात कह रहे हैं। ऐसे मामले लगातार उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई करती है वह एक्शन ही सवालों के घेरे में। एक पुराना मामला ही है, इसी साल के अगस्त में बताया गया था कि थाने में घुसकर दी वर्दी उतरवाने की धमकी खुद को भाजपा नेता बताने वाले ग्राम प्रधान का पुलिस के साथ हाथापाई का वीडियो।
मतलब ये दैनिक भास्कर की खबर है, इसमें भी वही चीजें हुई थी। थाने में झुंड घुसा और वो जो ग्राम प्रधान है खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताता फिर रहा था, और ऐसे में थाने में जाकर हंगामा करता रहा। पुलिस इसलिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इस तरीके की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो योगी राज में कानून का राज है या कैसे कहा जाएगा जब कानून पर ही दबंगों का पहरा है। भाजपा नेता और कानून दोनों अगर सामने खड़ा हो जाए तो कानून जो है बेबस नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दबंगई में थोड़े ऊपर ही नजर आते हैं। हालांकि अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो अपराध के मामले उत्तर प्रदेश में उस हिसाब से कम नहीं हुए हैं जितने योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के पास अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े पेश करें तो सरकार इस आंकड़े को मानने से ही इनकार कर देती है। मतलब साफ है कि योगी राज में जो मुख्यमंत्री कहें या योगी सरकार जो कहे, मौखिक रूप से जो कह दिया गया वही सच है। आंकड़ों और तथ्यों पर बात नहीं हो सकती है क्योंकि सरकार इसे मानती ही नहीं है। और घटनाएं इतनी है, दलित उत्पीड़न का मामला हो, अल्पसंख्यकों पर मामला हो, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश से खबरें खूब आती हैं। बावजूद इसके यहाँ पर कानून का राज कहा जाता है लेकिन गुंडागर्दी करने वाले नेता फलते फूलते हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश से एक और खबर आई थी कि भाजपा सांसद के भतीजे ने पिस्टल तान दी गांव वालों पर। अगर आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी के छुट भैये नेताओं की भी गुंडागर्दी देखना चाहेंगे तो आप गूगल में बस सर्च कर लीजिए, खबरें भरी पड़ी मिल जाएंगी कि ऐसी घटनाएं कितनी वहां पर होती हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का हनक है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बरेली में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी का मामला भी सामने आया था, महिला ने मारपिटाई का आरोप लगाया था। दूसरी बात यह था कि मुरादाबाद में दरोगा पर एक बीजेपी नेता ने पिस्टल तान दी थी जिसके बाद जो है वहां पर विवाद खड़ा हो गया था। ऐसे मामले भरे पड़े हैं, कोई ग्रामीणों पर पिस्टल तान देता है वो सांसद का भतीजा होता है। मतलब भाजपा का ठप्पा लगा नहीं कि गुंडा आप बने नहीं, ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं उत्तर प्रदेश से। लेकिन ताजा मामला यह है कि थाने में घुसकर बिजनौर में दो गुटों का विवाद हुआ और ये लोग गुंडागर्दी करने पर उतर आए। दरोगा हो या थानेदार वहां बैठा हो, किसी की नहीं चल रही थी, ये लोग अपनी दबंगई दिखा रहे थे, थाने को आग के हवाले कर देने तक की धमकी दे रहे थे और मारपिटाई करने का भी ये लोग चेतावनी देते नजर आए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस एनकाउंटर करने के लिए जानी जाती है, तभी तो उत्तर प्रदेश से दौड़ती दौड़ती पुलिस उत्तराखंड में घुस आती है और वहां पर भी गुंडागर्दी करने लगती है। किसी के भी घर में घुसकर गोली चलाने में यूपी की पुलिस पारंगत हो चली है, इसलिए उत्तराखंड की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने भी गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगाया था। राधा रतूड़ी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है केस में लिपापोती करती है, निर्दोषों को फंसा कर मामले को सॉल्व करने का दावा करती है, तो ऐसी छवि उत्तर प्रदेश की पुलिस की बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा नेताओं की छवि गुंडों की बनती जा रही है और वे सभी पुलिस पर कानून पर भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।